આરોગ્ય જાગૃતિ. दोस्तों, आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे डॉक्टर अभिमन्यु माकने जी से, जो औरंगाबाद के ईश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत है. यह हॉस्पिटल पिछले 4 साल से एचआईवी ग्रस्त मरीजों की सेवा कर रहा है. 50 बेड का ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्व सुविधाएं और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत काम करता है. यहाँ के डॉक्टर अभिमन्यु, जो एचआईवी फिजिशियन है, इनसे आरोग्य जागृति ने मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर अभिमन्यु जी ने बताया एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी से कैसे लड़ा जाए और उपचार सही तरह करने से और दवाइयां सही समय पर लेने से एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट भी एचआईवी नेगेटिव यानी सामान्य इंसान जितना जीवन जीता है उसके बराबर जीवन जी सकता है, ये बताया. हम मराठवाड़ा की जनता से अपील करते हैं कि आपके नजरों में भी कोई एचआईवी से पीड़ित मरीज नजर आए तो उसे एक बार डॉक्टर अभिमन्यु जी से जरूर मिलाए. नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिमन्यु माकने हूँ. हमारा ईश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़ेगा औरंगाबाद में स्थित है. ये 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ हम बेसिक सभी स्पेशलिटी जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को. मैं खुद एक एचआईवी फिजिशियन हूँ. पिछले 12 साल से मैं स्पेशली एचआईवी मेडिसिन में ही काम कर रहा हूँ. पहले करियर के शुरुआती दिनों में मैं 9 साल तक पुणे में प्रैक्टिस कर रहा था. पुणे में आदित्य बिरला, रूबी हॉल और स्टर्लिंग मल्टी स्पेशलिटी, ऐसे 3 हॉस्पिटल्स में मैं एचआईवी कंसल्टेंट रह चुका हूँ. औरंगाबाद का नेटिव होने के चलते 3.5 साल पहले हमने सितंबर 2016 में एचआईवी पेशेंट्स को मराठवाड़ा में ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल सके, इसलिए ईश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू किया. अभी यहाँ पे हम एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स की ओपीडी केयर, उनकी मेडिसिन की फैसिलिटीज़ जैसे कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एआरटी मेडिसिन, साथ ही साथ एचआईवी की ज़रूरती सभी ब्लड टेस्ट जैसे CD4, वायरल लोड, जीनोटाइपिक ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग, ये सब एक ही छत के नीचे करवाते हैं. साथ ही साथ हमारा मराठवाड़ा का ये पहला अस्पताल है जहाँ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के किसी भी कारणवश एडमिशंस या ऑपरेशंस होते हैं, ज़रूरी होते हैं, तो वो ज़रूर किए जाते हैं और सिर्फ एचआईवी एड्स होने के कारणवश वो रिजेक्ट नहीं किए जाते. साथ ही साथ हम ये बात कहने में फख्र महसूस करते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के ऑपरेशंस या एडमिशंस जो पहले मराठवाड़ा में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाते थे, वो अगर होते भी थे तो कुछ चार्जेस 1.5 गुना 2 गुना बढ़ के फिर पेशेंट्स को वो फैसिलिटी लेनी पड़ती थी. हमारे ईश्वर हॉस्पिटल में पड़ेगाँव में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के कोई भी एडमिशंस ऑपरेशंस जो एचआईवी नेगेटिव पेशेंट्स के चार्जेस होते हैं उन्हीं चार्जेस में करते हैं और सिर्फ एचआईवी होने की वजह से उनको आर्थिक बोझ नहीं सहना पड़ता. सर, ये आपने एचआईवी फील्ड क्यों चूज़ किया है और आप इसके माध्यम से क्या लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहेंगे? MBBS होने के बाद मैं भी सभी डॉक्टर्स की तरह पोस्ट ग्रेजुएशन की तलाश में था और कुछ कारणवश मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे. उस वक्त रूबी हॉल क्लिनिक में मैं कोई जॉब ढूंढने के लिए गया था और वहाँ मुझे पहली बार पता चला कि HIV मेडिसिन नाम की एक ब्रांच के लिए CPS बॉम्बे का एक सर्टिफिकेट कोर्स, वहाँ 1 साल की रेसिडेंसी कोर्स कंडक्ट किया जाता है. पहले से ही मुझे कुछ अलग करने की ख्वाहिश ज़रूर थी, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था. जिस दिन वो सुना तो लगा कि हाँ, ये कुछ अलग फील्ड है और हम ये ज़रूर कर सकते हैं. बाद में मैं वहाँ पे डॉक्टर संजय पुजारी जी के अंडर ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लिया और वहाँ पे 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया जो CPS बॉम्बे के अंडर रजिस्टर्ड था. वहाँ रूबी हॉल में इन सब पेशेंट्स को देखते हुए कई बार ऐसा हुआ करता था कि मराठवाड़ा के बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ आते थे और हम रेसिडेंट होने के चलते काफ़ी बार उनके साथ कांटेक्ट में रहते थे. उस वक्त उनका कहना चलता था कि आप सर औरंगाबाद से है, हमारे मराठवाड़ा एरिया से आते हैं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, हम लोगों को पुणे आके यहाँ पे एडमिट होना या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है इसलिए आना पड़ता है, लेकिन अगर हमको वहाँ इलाज मिल सके तो हम ज़रूर वही कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ये कंटिन्यू करें. सर, ये HIV शब्द अगर सामने आता है तो लोगों में बहुत घबराहट होती है, ये इसका क्या कारण है? आप अपनी जनता को अभी बताइए, क्या HIV से लोग जो घबरा कर
आधे मरना हो जाते हैं, तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? एक्चुअली एचआईवी को सेक्स से जोड़ा गया है और कई मायनों में सेक्स को हमारे समाज में और हमारे ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। उसके चलते एचआईवी के आसपास एक टैबू तैयार हुआ जिससे कि लोग उसके खिलाफ बातें करने लगे और साथ ही साथ फिर इसकी वजह से ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना मिलने से शुरुआती कुछ दिनों में एचआईवी के कई पेशेंट्स को जान से हाथ धोना पड़ा। इसी के चलते जब एचआईवी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती तो एचआईवी होते ही अब आदमी कब मरेगा, कैसे मरेगा, या अब ये कुछ दिनों का मेहमान है, ऐसी बातें चलती है। लेकिन ये अब आज के दौर में जिस वक्त हमने साइंस की बहुत सारी तरक्की कर ली है और अच्छे से अच्छे मेडिसिन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तब ये सब बातें झूठ साबित हो रही है। आज के दौर में एचआईवी सिर्फ एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिसीज़ कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एचआईवी हुआ है और आप प्रॉपर दवाई ले रहे हो, प्रॉपर डायग्नोसिस होके आपका ट्रीटमेंट अच्छी जगह पे चल रहा है, तो आपके दिन जिंदगी में से एक दिन भी एचआईवी की वजह से कम नहीं होगा। इतनी अच्छी दवाई मार्केट में उपलब्ध है, इसको सिर्फ आपको रेगुलरली दवाई लेना है और उसके जो भी फॉलोअप विजिट्स, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स को साल में 2 या 3 बार डॉक्टर से मिलना होता है और कुछ मामूली जांचें होती है खून की, वो करवानी होती है। ये अगर पेशेंट्स रेगुलर करवा रहे हैं तो हर रोज़ सिर्फ एक गोली लेके आदमी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। कई बार हम पेशेंट्स को इसके साथ बीपी या डायबिटीज़ को कंपेयर करने के लिए कहते हैं, जो कि आज के दौर में काफ़ी आम बीमारियाँ हैं। अगर किसी को बीपी या डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ना ही उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदलता है। वो सिर्फ 1 या 2 दवाइयाँ ऐड करते हैं, रेगुलरली कुछ परहेज़ जो बताए जाते हैं डॉक्टर्स की ओर से वो पालते हैं और रेगुलर ट्रीटमेंट लेके उनका जो भी काम पहले से था वो कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह एचआईवी की भी बीमारी आज के दौर में है। आप डायग्नोसिस होने के बाद प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए, ट्रीटमेंट चालू कीजिए और ट्रीटमेंट रेगुलर लेने पे आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। पर ये एचआईवी के प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसका क्या कारण है और प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? शेख साहब, मैं इसके बारे में आपके मत से सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली जो आंकड़े आजकल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक नई केसेस, मतलब किसी को नया इन्फेक्शन होने का प्रमाण पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम होता जा रहा है, लेकिन जो पुरानी केसेस, जो पुराने पेशेंट्स हैं लेकिन जिनकी अभी तक जांच नहीं हुई है और उसकी वजह से उनको या मेडिकल फील्ड को पता नहीं है कि ये ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव है, इनका प्रमाण अभी भी वैसा ही है। इसको हम मेडिकल फील्ड में इंसिडेंस और प्रीवालेंस कहते हैं कि किसी भी वक्त जो नई केसेस इन्फेक्ट हो रही है उनका प्रमाण काफ़ी कम होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि पिछले कुछ साल पहले 2011 के दौरान एक रिसर्च हुआ था जिसके नतीजों के मुताबिक अगर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट रेगुलरली दवाइयाँ ले रहा है और उसका वायरल लोड, मतलब उसके खून में वायरस का प्रमाण अगर कम से कम लेवल पे चला गया है, तो उसकी खुद की तबीयत तो अच्छी रहेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसका वायरस कम होने के चलते उसकी तरफ से सामने किसी और व्यक्ति को एचआईवी बाधित करना लगभग नामुमकिन बराबर हो जाता है। और इस वजह से एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को आजकल ट्रीटमेंट बीमारी पता चलते ही तुरंत चालू कर दी जाती है। मतलब बीमारी की दवाई रेगुलर लेने से पेशेंट को खुद की सेहत तो अच्छी मेंटेन कर ही पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ समाज को उसका फ़ायदा हो रहा है कि पेशेंट की तबीयत साथ अच्छी रहने के साथ साथ उसकी तरफ से अब यहाँ से आगे दूसरे किसी को एचआईवी ट्रांसमिशन के चांसेस लगभग नहीं के बराबर होंगे। सर, अभी एचआईवी के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं लोगों में और कुछ भोंदू बोला जाएगा जो उसको 100% इलाज होता है, आपके इसमें रिसर्च में है ऐसा क्या पॉजिटिव को निगेटिव कर सकते हैं? जी नहीं, एचआईवी निगेटिव करने की कोई भी दवा या कोई भी इलाज आज के दौर में पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जो लोग इसका दावा करते हैं कि एचआईवी पूरी तरह से निगेटिव किया जा सकता है और कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल ये दवाई लीजिए या कुछ इंजेक्शन ले लीजिए और हम पूरा निगेटिव कर देंगे, ये पूरी तरह से आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये जैसे हमने पहले कुछ सवालों में बात की थी कि एचआईवी को सेक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा जोड़ा गया है और कई बार पेशेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनसे कोई बात करे कि इसको पूरा हम निगेटिव कर दे
तो किसी भी आदमी की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो कोशिश करेगा कि चलो एक बार ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। इसी भावना का गैर फायदा लेते हुए कुछ लोग इनको कुछ पैसों के लिए फंसाते हैं। इसके बाद की दिक्कत ये होती है कि मेजॉरिटी टाइम्स पेशेंट्स फंसने के बाद भी कोई पुलिस कंप्लेंट या कोई लीगल एक्शन लेने के फंदे में ना पड़ते हुए जो हुआ सो अपनी गलती से हुआ ऐसा मान के बाद में सही ट्रीटमेंट का ढूंढना चालू कर देते हैं। और इस तरीके से जो बोंदू लोग हैं उसका गैर फायदा लेते हुए कई सारे पेशेंट्स को फंसाने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हालांकि मेरा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कोई पर्सनली बैर नहीं है। मैं जानता हूं कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कई अच्छे इलाज हो सकते हैं, लेकिन पिछले 12 साल से एचआईवी प्रैक्टिस करते हुए और कुछ रिसर्च वर्क में भी काम करते हुए मैं मेरे फील्ड के बारे में इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि फ़िलहाल एचआईवी के लिए दुनिया भर में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा कुछ दूसरे ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। ये ट्रीटमेंट सरकारी दवाखानों में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अगर कोई किसी कारणवश प्राइवेट में लेना चाहता है और सरकारी में नहीं जाना चाहता तो जो डॉक्टर एचआईवी की रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है, और उदाहरण के तौर पे मैं हमारा खुद का नाम ज़रूर कहूँगा कि ईश्वर हॉस्पिटल पड़ेगा औरंगाबाद में, हम लोग जो रेगुलरली इस पर पढ़ाई रिसर्च कर रहे हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं वैसे जगहों पे ही पेशेंट ट्रीटमेंट ले, लेकिन बोंदू लोगों के झांसे में ना आए। सर, ईश्वर हॉस्पिटल जो एचआईवी पे काम कर रहा है सही सराहनीय है, शुक्रिया। इसके माध्यम से आप आगे एडवांस में क्या रिसर्च करना चाहेंगे एचआईवी के ऊपर जो आम पेशेंट को भी राहत मिले और समाज में भी अच्छा संदेश जाए? शेख साहब, मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद शहर में 50 बेड और उसके नीचे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ईश्वर हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जिसकी इथिक्स कमेटी डीसीजीआई दिल्ली से रजिस्टर्ड है, और हम यहाँ पे रेगुलरली क्लिनिकल रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे फ़िलहाल एक नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की डोलोटेग्रावीर नाम के एक एडवांस एचआईवी मेडिसिन की क्लिनिकल ट्रायल करंटली चालू है। उसके अलावा हम पेशेंट्स को जो भी नई नई दवाइयाँ इंटरनेशनल मार्केट में आ रही है वो सभी कम से कम खर्चे में ईश्वर हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। उसी के सिलसिले में हमारे यहाँ पे मराठवाड़ा का पहला मेडिकल ऐसा है जहाँ पे सभी एचआईवी की मेडिसिन जो कि ज़िंदगी भर पेशेंट्स को लेनी होती है उनके ऊपर 40% से 60% तक का छूट दिया जाता है, ताकि पेशेंट सिर्फ पैसे की दिक्कत की वजह से कोई मेडिसिन बीच में ना छोड़े। इस रिसर्च और सोशल वर्क के साथ साथ हम ईश्वर हॉस्पिटल के ज़रिए औरंगाबाद, अहमदनगर और बीड जिले के कुछ एचआईवी पॉजिटिव अनाथालयों से भी जुड़े हैं, जिसमें नगर का स्नेहालय, बीड का इन्फेंट इंडिया शामिल हैं। हमें ये बताने में काफ़ी खुशी महसूस होती है कि 2017 से हम इन लोगों के साथ जुड़ने के बाद स्नेहालय नगर का महाराष्ट्र का ही नहीं इंडिया का पहला एचआईवी पॉजिटिव अनाथालय है, जहां पे 100% एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनका वायरल लोड करके जो एक बहुत ज़रूरी टेस्ट मानी जाती है वो कंट्रोल में है। हालांकि हम जब 2017 में उनके साथ जुड़े थे तो उस वक्त वहां का फेल्योर रेट लगभग 40% के दरमियान था, और हमारे कांस्टेंट एंडेवर के साथ साथ उनकी तरफ से जो हमको सपोर्ट मिला उसकी वजह से आज हम ये 100% कंट्रोल रेट पे उनको ला चुके हैं। हमारा फ्यूचर टारगेट ये है कि हम औरंगाबाद में ही पड़ेगाँव में एक ऐसा एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के लिए अनाथालय खोलने जा रहे हैं जल्दी, जिसमें एचआईवी पॉजिटिव बच्चों की सोशल ग्रोथ पे तो ध्यान दिया ही जाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक पहला प्रयास होगा जिसमें एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को एचआईवी डॉक्टर का ही खुद का अनाथालय में सहारा मिलेगा, जिसके चलते उसकी ट्रीटमेंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा।